हाय फ्रेंड्स, तो जैसे कि आप देख सकते हैं अब जो हम निकल चुके हैं कहाँ के लिए, घूमने के लिए उज्जैन सिटी में, कि क्या क्या देखने के लिए है। तो अभी हम फिलहाल चलते हैं फटाफट घूमने के लिए, जो कि यहाँ पर महाकाल का मंदिर था, आपने दर्शन कर ही लिया, तो अब जो है काल भैरव के भी दर्शन करवाते हैं आपको और चलते हैं नई नई जगह घूमने के लिए। हाँ तो फ्रेंड्स, तो अभी आप देख सकते हैं अभी जो हम आए एक अलग ही जगह, तो यहाँ पर जो है श्री कृष्ण जो है शिक्षा प्राप्त करी थी। तो अभी जैसे कि हम चलते हैं अंदर और देखते हैं यहाँ पर जो क्या है देखने के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप देखते रहिएगा। तो अभी जैसे कि आप देख सकते हैं हम जो है आगे मंदिर के अंदर, पर मंदिर के अंदर जो है मैं आपको अंदर नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि यहाँ पर जो है अंदर शूट करना मना है। तो जैसे कि आप देख ही सकते हैं सामने की तरफ जो मंदिर है, अभी हम चलते हैं पास में अंदर, देखते हैं अगर ले जाने देता है तो। क्या आप देख सकते हैं कि जो यहाँ कि जैसे कि आपको पता है ये जो है फिर भगवान श्री कृष्ण के, जैसे मैंने आपको बताया था पाठशाला, तो फ्रेंड अंदर तो शूट करने दिया नहीं। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसी कलाकारी करी हुई है यहाँ पर मंदिर के अंदर, देख सकते हैं आप कैसे सुंदर सुंदर बने हुए हैं वैसे, और काफ़ी ज़्यादा जो भीड़ आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है पूरा जो विवरण दिया हुआ है पुराण का, मतलब सारी डिटेल जो है यहाँ पर समझाई गई है। तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें हैं देखने के लिए। फिर इसके बाद जो हम चले गए अलग ही जगह चले गए, जो कि है मंगल ग्रह का जन्म स्थान। मंगल ग्रह के बारे में आपने सुना ही होगा, तो वहाँ पर चलते हैं। तो उससे पहले भी आप यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ नज़र घुमा के, कितने दीवारों पर जो है कितने सुंदर सुंदर जो है आप देख सकते हैं ग्रह के बारे में, और देख सकते हैं कितनी सुंदर चित्रकला करी हुई है। तो अभी जैसे कि आप देख रहे हो, तो अभी तो हम आए हैं मंगलनाथ मंदिर, जो कि पूरे वर्ल्ड में एक ही मंदिर है। अंदर अगर शूट करने देखे तो आपको जरूर दिखाई, कि बाकी आप बाहर का नज़ारा देख सकते हैं। तो अभी देखा है, तो अभी हम चलते हैं अंदर। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड सामने जो है मंगलनाथ भगवान के मंदिर को स्नान कराया जा रहा है, और आप देख सकते हैं सामने की तरफ, तो आप भी दर्शन कर सकते हैं। और हम दिखाते हैं आपको और भी जगह, जो कि काल भैरव के मंदिर भी चलते हैं, वहां पर चलते हैं। जैसे कि आपने इधर दर्शन कर लिया तो चलते हैं। तो अभी जैसे कि आपको पता, अभी हम आए हैं काल भैरव मंदिर, तो यहाँ पर देख सकते हैं लोगों की मान्यता कितनी है, कितने सारे धागे बंधे हुए आपको, ये जो येलो येलो दिख रहा है ये सब धागे बंधे हुए। तो अभी हम चलते हैं अब आगे और दिखाते हैं आपको आगे की तरफ। आप देख सकते हैं कितना धागे बंधे हुए यहाँ पर, देखिए आप सारे, देखिए चारों तरफ देखिए, मतलब तो अभी जो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स काल भैरव मंदिर, तो अभी हम चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर से। तो आप जैसे कि देख सकते हैं हम आ गए अंदर, और भीड़ देख सकते हैं कितनी ज़्यादा है काल भैरव मंदिर की। तो अभी हम और चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे कि वहां से दर्शन करने के बाद काल भैरव के बाद आ गए हम गढ़ कालिका मंदिर, तो आप देख सकते हैं माता रानी की मूर्ति। तो यहां से भी हम जो है दर्शन करने के बाद वापस चले गए महाकाल के उधर, जो कि रात के सीन आप देख सकते हैं दर्शन, तो आप देख सकते हैं फिर हम चलते हैं वापस वहीं। तो फ्रेंड्स अब जो है आप देख सकते हैं रात का सीन, क्या खूबसूरत नज़ारा देखने को मिल रहा है। तो आप देख सकते हैं रात का सीन की कैसा मस्त नज़ारा, एकदम गोल्डन गोल्डन दिख रहा। दोपहर के समय जब मैंने दिखाया था आपको उसमें थोड़ा इतना अच्छा नहीं दिख रहा, अभी जो आप देख सकते हैं पूरी महाकाल के मंदिर में जो है कितनी बड़ी बड़ी मूर्तियां जो सजा रखी हैं, एकदम अद्भुत और देखने लायक। आप देख सकते हैं सामने की तरफ
तो पूरे मंदिर में जो है बहुत सारी मूर्तियाँ लगी है, तो मैं आपको सारी मूर्तियाँ नहीं दिखा सकता। और यहाँ पर जो रहने का खर्चा वो भी थोड़ा बजट के अंदर ही था, तो अगर आप आना चाहें आ सकते हैं, सस्ता है। तो मिलता हूँ मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में।